करने वाला था कि जब कल की प्लेइंग 11 चुनी जाएगी तो एमआई की टीम और मैं आरसीबी की टीम की बात कर रहा हूं तो दोनों ही टीमों के कप्तान के पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस टीम की। जब मुंबई इंडियंस की टीम की कल प्लेइंग 11 चुनी जाएगी तो रोहित शर्मा के पास कम से कम तीन सवाल होंगे। वो तीन सवाल क्या होंगे वो उनके माइंड में रखना होगा। वो तीनों सवालों को मैं यहां पे आपको बताता हूं। पहला सवाल होगा मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा के पास और वहां के टीम मैनेजमेंट के पास कि भाई ओपनर कौन होगा, क्योंकि देखिए क्विंटन डिकॉक अवेलेबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि स्पिन में चावला खेलेंगे या फिर राहुल चहर, यानी कि आपके पास दो स्पिनर्स पड़े हैं, आपके पास पीयूष चावला है और आपके पास है राहुल चहर, तो ऐसे कंडीशन में आप दोनों में से किसके साथ जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन होगा हु विल बी फिल थर्ड सीमर स्लॉट, यानी कि तीसरा जो सीमर होगा उसके स्लॉट को कौन भरेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को लेके कि ओपनर कौन होगा। क्लियर है कि क्विंटन डिकॉक इज गोइंग टू मिस द फर्स्ट आईपीएल मैच, क्योंकि देखिए पाकिस्तान से जो मैच हो रही है वहाँ का मुकाबला छोड़ के वो बीचों बीच, मतलब कि दूसरा मुकाबला खेला उन्होंने, तीसरे मुकाबले को बीच में छोड़कर वो इंडिया आ चुके हैं, लेकिन जो बीसीसीआई का प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत आप आते ही आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा, और क्वारंटीन अगर क्विंटन डिकॉक है तो कहीं ना कहीं आप पहला मुकाबला नहीं खेल सकते हैं। तो ऐसे में एक क्वेश्चन ये होगा कि क्या रोहित और ईशान किशन की जोड़ी मैदान पे उतरेगी, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो है रोहित शर्मा एंड क्रिस लिन। आपने क्रिस लिन को खरीदा है, आपने क्रिस लिन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा है जब रिलीज कर दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको। तो चलिए कुल मिलाकर अभी देखते हैं कि लिन ने आईपीएल में अभी तक मुंबई की तरफ से तो खेला नहीं है। मुंबई की टीम ने हालांकि उनको बाई किया है 2 करोड़ रुपए में, 2 साल हो गए उनको, लेकिन उनको अभी तक बेंच पर ही इंतजार करना पड़ा है। तो कल के मुकाबले में जो आपको ओपन करते दिख सकते हैं वो हो सकते हैं ईशान किशन और रोहित शर्मा की जोड़ी। तो जो पहला क्वेश्चन है जो शॉर्ट आउट करना होगा मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को और मुंबई टीम मैनेजमेंट को कि ओपनर कौन होगा, तो बहुत सारे हैं कि हो सकता है कि आपको क्रिस लिन भी दिख सके। मैं फाइनल प्लेइंग 11 आपको जब बताऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर होगा, हालांकि ज्यादा चांस है कि ईशान किशन आपको ओपन करते नजर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा सीमर कौन होगा। जब रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है माइंड में जरूर होगा कि तीसरे सीमर में किसको रखा जाए। पहला सीमर आपका है जसप्रीत बुमराह, दूसरे सीमर आपके हो गए ट्रेंट बोल्ट, अब जो तीसरा सीमर होगा वो कौन होगा। तीसरे सीमर के आपके ऑप्शन बता दूं तो नथन कुल्टन आइल, एडम मिलने, जिमी निशम, धवल कुलकर्णी, मार्को जेनसन। तो ये कुल मिलाकर आप एमआई के कैप्टन रोहित शर्मा के पास थर्ड सीमर के ऑप्शन है। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं क्या होगी कल के मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। तो पहला जो बल्लेबाज होगा वो होगा रोहित शर्मा कप्तान, उनके साथ जो ओपनिंग करने आ सकते हैं वो है ईशान किशन की जगह आपको क्रिस लिन ओपन करते नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पे बात करें तो इसका यानी कि सूर्य कुमार यादव को मौका मिलेगा। नंबर 4 पे जो हमने ओपनर बताया था कि ईशान किशन को ओपन कराएंगे तो मिडल ऑर्डर को मजबूती दिलाने के लिए ईशान किशन को नीचे भेजा जाएगा। अगर आप ईशान किशन को ऊपर भेज देते हैं तो क्या होगा कि ये स्लॉट आपका खाली हो जाना है, इसलिए मुंबई टीम मैनेजमेंट क्रिस लिन को मौका दे सकती है। आपको तो 4 विदेशी प्लेयर तो खिलाने ही है, तो या तो क्रिस लिन नहीं तो आपको जिमी निशम, लेकिन जिमी निशम के साथ अगर जाते हैं तो आपको गेंदबाजी ऑप्शन मिलेगा, आपको मिडिल ऑर्डर में वो उस तरह का फ्लो नहीं दे सकते, वो बतौर पिंच हिटर खेल सकते हैं डाउन द ऑर्डर आके। तो कुल मिला के बात करें तो रोहित शर्मा और क्रिस लिन कल के मुकाबले में ओपन करते नजर आ सकते हैं, और ईशान किशन को थोड़ी सी बल्लेबाजी में गहराई लाने के लिए उनको नंबर 4 पे भेज सकते हैं। तो रोहित शर्मा क्रिस लिन बतौर ओपनर, नंबर 3 पे स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, नंबर 4 पे आपके ईशान किशन, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पे कैरन पोलार्ड, नंबर 7 पे कृणाल पांड्या, नंबर 8 पे
राहुल चहर को मैंने रखा है इंस्टीड ऑफ पीयूष चावला। दो स्पिनर्स की मैंने बात की थी, तो राहुल चहर और पीयूष चावला में से, हालांकि एक्सपीरियंस की बात करें तो पीयूष चावला बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, 150 अराउंड उनका विकेट्स है आईपीएल में, फिर भी राहुल चहर के साथ मुंबई इंडियंस की टीम जाने वाली है। उसके बाद नंबर 9 की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट आपको खेलते दिखेंगे, नंबर 10 पे आपको नथन कुल्टर-नाइल शामिल होंगे। क्यों शामिल होंगे मैंने इसका रीजन आपको बताया है कि क्यों शामिल होंगे, क्योंकि इनका जो वेरिएशन है ओवरकास्ट कंडीशंस अगर आ जाती है तो नथन कुल्टर-नाइल की जो गेंदबाजी है अव्वल दर्जे की होगी। एडम मिलने भी हैं लेकिन एक्स्ट्रा पेस है मिलने के पास, ये फैक्टर है, लेकिन पिच जैसी असिस्ट करेगी जैसा कि हमने पिच रिपोर्ट बताया था आपको, तो उसके अकॉर्डिंग नथन कुल्टर-नाइल को मौका मिलेगा। और जो 11वां प्लेयर होगा वो होंगे बुम बुम बुमराह, यानी कि जसप्रीत बुमराह आपको खेलते नजर आएंगे। तो ये कुल मिलाकर हमारी प्लेइंग 11 होगी। आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? मुंबई इंडियंस टीम के जो सपोर्टर यहाँ पे नहीं भी है तो आप बताइए कि मुंबई इंडियंस कौन सी प्लेइंग 11 के साथ कल के मुकाबले में उतरेगी।